देश प्रदेश में इंदौर जिले के बेटमा का दशहरा अपनी अनूठी परंपराओं को लेकर मशहूर है। यहाँ दशहरे पर होने वाले आयोजन आकर्षण का केंद्र होते हैं। घोड़े की टाप और दन दनादन चलती बंदूक की गोलियों की आवाज, जोरदार आतिशबाजी से आसमान रंगीन सितारों से भर जाना, तो दम भी रावण का नुकीले जलते तीर से वध होना, यह नजारा बुधवार को बेटमा की माँ अमन चमन की पहाड़ी पर दिखाई दिया, जिसके 50,000 से अधिक की संख्या में दर्शक साक्षी हुए। इस वर्ष का चल समारोह राजबाड़ा चौक से प्रारंभ हुआ। शाम 5 बजे चल समारोह प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों में बैंडबाजों के साथ टेकरी पहुंचा, जहां सबसे पहले घुड़ दौड़ का आयोजन हुआ, फिर हॉर्स राइडिंग क्लब के घोड़ों द्वारा विभिन्न करतब हुए। दुर्गम पहाड़ी के नीचे मटकी को साधते निशानेबाज और भव्य गगनचुंबी आतिशबाजी और अंत में रावण दहन हुआ। इस आयोजन में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार थी। अध्यक्षता पूर्व विधायक मनोज पटेल ने की। सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के आयोजक धर्मवीर सिंह चौहान, नगरपालिका अध्यक्ष शशि जायसवाल सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बेटमा से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। ये ना ये टिकट्टा ज्यादा हर बार बड़े हेलो और आसपास के नगर वासियों को, देशवासियों को मेरी दशहरा की बहुत बहुत राम राम, सभी को बहुत बहुत शुभकामना। अभी हमने 9 दिन नवरात्रे के सभी ने खूब हर्षोल्लास के साथ मनाए। आज दशहरे के दिन रावण का दहन किया। रावण के दहन के साथ ही हम भी सब यह प्रण लें कि हमारे अंदर जो कमी है, जो बुराई है, उस बुराई को समाप्त करके और इस दशहरे को पर्व को मनाएं। यही शुभकामनाएं देता हूं सभी को, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरे का जो पर्व है, यहाँ पर मैंने पहली बार देखा बेटमा का, और परंपरागत रूप से चला आ रहा है, ये प्राचीन परंपरा रही है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन और आप सभी के सहयोग से सफल आयोजन हुआ है। और सभी को, बेटमा वासियों, नगर वासियों, सभी को हमारी ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। सर्वप्रथम सभी प्रदेशवासियों को मैं दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक यह दशहरे का त्यौहार। बेटमा में आज मैं उपस्थित हूँ।
और संस्कृति ही भारत की पहचान है और संस्कृति विरासत के रूप में परंपरा के आधार पर हम मनाते हैं। उस परंपरा को निभाते हुए यहाँ पे बीबी दरबार जी, यहाँ के पंचायत के अध्यक्ष, सभी हमारे वरिष्ठ जनों ने इस परंपरा को कायम रखा और इस बेटमा में दशहरे के दौरान घुड़सवार की रेस भी होती है और रावण दहन का कार्यक्रम भी होता है। इस अनूठे कार्यक्रम में संस्कृत की विरासत की झलक देते हुए मैं बहुत अत्यंत प्रसन्न हूँ। एक बार पुनः सब आयोजन समिति को बहुत सारी में बधाई देता हूँ। आज हमारे साथ यहाँ के पूर्व विधायक माननीय मनोज पटेल जो मेरे भाई वो भी उपस्थित हैं। हम सब मिलकर प्रदेशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। हम अपने अंदर की राय अपनी रावण खत्म करें और सच्चाई सर्वप्रथम तो मैं सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति का आयोजक होने के नाते मैं बेटमा नगरवासियों, आसपास के बेटमा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासी, साथ ही देवपालपुर तहसील इंदौर जिले के और प्रदेश के देश के सभी को मैं सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के आयोजक होने के नाते सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। साथ ही ये परंपरागत रूप से 300 वर्षों से दशहरा सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के द्वारा मनाया जा रहा है और उसी के द्वारा मनाया गया। सर्वप्रथम राजवाड़ा से चल समारोह प्रारंभ हुआ और वो जुलूस के रूप में उसका रावले में समापन हुआ। वहाँ से फिर दशहरा मैदान पर तीन चरणों में घुड़दौड़ी प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इसके बाद में मटकी फोड़ वो जंपिंग प्रतियोगिता हुई और आज क्या थोड़ा हम जुलूस हमारा अब घोड़ी नाचने करने में लेट हो ही जाता है तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ सभी से। और कोई विशेष लेट नहीं, अच्छा है, आतिशबाजी रात के समय लोगों को उसका आनंद आए। और हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।